प्रिज्मा 3 पर सबसे मुश्किल काम होता है बोन को ऐड करना। मॉडल का बॉडी जो होता है एक ही पार्ट से बना होता है, तो बोन ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मॉडल का बॉडी जो होता है अलग अलग पार्ट से बना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों बोन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है, प्रिज्मा 3D एक नया अपडेट लाया है जिसमें बोन ऐड करना बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बोन किस तरह से काम करता है और एक बोन से दूसरे बोन को कैसे जोड़ा जाता है। जानने के लिए दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं यहाँ पे बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक मॉडल है जिसका हर एक पार्ट अलग अलग है, और उसमें हम पहले ये करेंगे कि जितने भी बॉडी का पार्ट्स है हर एक पार्ट को एक एक बोन लगा देंगे सबसे पहले। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर उसका हेड में बोन लगाना है, पहले मैं हेड पर क्लिक किया, हेड की पार्ट पर। अब यहाँ पे आपको नीचे जो है यहाँ पे बोन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे सिंपल से हेड का बीचों बीच आपको टिक लगाना है जहाँ पे बोन आपका लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यस कर देना है। इस तरह से उसकी नाक पे भी यहाँ पे थोड़ा बोन लगाएंगे। पहले उसके नोज हो जाए उस पार्ट को हम क्लिक करेंगे ऐसे, उसके बाद बोन पर क्लिक किया नीचे, उसके बाद यहाँ नाक का बीच में थोड़ा सा टिक लगाना है ऐसे, और यहाँ पे आपको राइट मार्क पे फिर से क्लिक कर देना है। तो इस तरह से बॉडी का जितना भी पार्ट्स है हर एक पार्ट को आपको बोन लगा लेना है। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी का जितने भी पार्ट्स है हर एक पार्ट को मैंने बोन लगा लिया है। अब उसको जोड़ने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल को यहाँ पे समझ लेते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बाद में कमेंट करेंगे भाई नहीं हो रहा है। तो ये है हेड का बोन, और ये है नाक का, और ये आँख का बोन, और ये आईब्रो का बोन, और ये माउथ का बोन। इन सारे बोन को लेके आपको हेड बोन से जोड़ना है। तो यहाँ पे साइड में आपको कुछ लेयर दिख रहे होंगे, ये सब बॉडी का पार्ट और बोन का लेयर है। यहाँ पर आप जिस बोन के ऊपर आप क्लिक करोगे साइड में आपको वही वाला लेयर आपको इंडिकेट करेगा। सपोज पर यहाँ पर नाक का बोन को लेके हेड का बोन से जोड़ना है, तो सबसे पहले उस बोन को आपको टैप होल्ड करके रखना है, उसके बाद यहाँ से उठा के लेके आपको हेड बोन के ऊपर छोड़ देना है। ऐसे करके सारे बोन्स को आपको हेड की बोन से जोड़ लेना है। लेकिन आँख जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये जो आँख का जो ब्लैक वाला बोल है इसे आई बोल कहते हैं, इस आई बोल का बोन को आपको पहले आँख का बोन से जोड़ना है, उसके बाद आपको हेड का बोन से जोड़ लेना है। It was night and day.
यहाँ पर दोस्तों और एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कभी कभी ये होता है कि इतने सारे यहाँ पर लेयर्स हो जाते हैं कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने के लिए जितने भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है ये स्पेस कम पड़ जाता है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट को आपको सबसे पहले सेव कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है होम पे। होम पे जाके यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा, सेटिंग पर यहाँ पे आपको यूजर सेटिंग को मैनेज कर लेना है, आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पे मैनेज कर लेना है। मैनेज करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, फिर से प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पे आपको आसानी से बोन को कनेक्टेड कर सकते हैं। उसके बाद हेड का जो बोन होता है, हेड का बोन को लेके आपको चेस्ट का बोन के ऊपर छोड़ देना है। चेस्ट का बोन को लेके हेड से नहीं जोड़ना है, नहीं तो ये उल्टा काम करेगा। ऐसे करके आपको सारे बोन्स को जोड़ लेना है। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।